वेलकम स्टूडेंट्स, आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेस के आपके अपने प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। आशा है आपने स्टडीज जो है वो शुरू कर दी होगी। क्यों? क्योंकि स्टडीज अभी से शुरू करोगे तभी कहीं जाके वो आपके लिए आगे मार्क्स गेनिंग बनेगी, ठीक है ना। हम पढ़ रहे हैं एसएसटी में ज्योग्राफी सेक्शन में चैप्टर 4 हम कर रहे हैं, जो कि है एग्रीकल्चर, कृषि वाला चैप्टर। बाकी के 3 चैप्टर अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप जाके देखिए, और उनके क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दिए गए हैं तो वो क्वेश्चन आंसर्स भी आप दे सकते हैं। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो चैप्टर 4 है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर का जो इंट्रोडक्शन वीडियो है वो आ गया है। उसके बाद में हमने पढ़ना शुरू किया था कि इंडिया में क्रॉपिंग पैटर्न क्या है। क्रॉपिंग पैटर्न हम पढ़ चुके हैं, जिसमें खरीफ की, रबी की और जायद की जो फसलें होती है उनके बारे में हमने देखा। उसके बाद में हमने देखा कि जो हमारी मेजर क्रॉप्स हैं वो कौन सी हैं, वेदर इट इज राइस और वीट और द क्रॉप्स लाइक मिलेट्स, तो वो सब हमने बात कर ली थी। आज हम ऐसी फसलों के बारे में बात कर रहे हैं जो वी कैन यूज एज वेल एज फूड क्रॉप्स एज वेल एज द रॉ मटेरियल फॉर इंडस्ट्रीज। ये ऐसी फसलें हैं जो बहुत सारी एस्पेक्ट से काम ली जाती है, जिनमें सबसे पहली है मक्का या मेज जिसको कहते हैं। मक्के का जो उपयोग होता है वो खाद्यान्न के रूप में होता है, एज फूड क्रॉप्स तो होता ही है, चारे के रूप में भी इसकी जो भूसी होती है उसका उपयोग किया जाता है, और साथ ही साथ उद्योगों में भी इसको काम में लिया जाता है। मक्के का उद्योग होता है कि जो सुक्रोज वगैरह बनते हैं ना, उनके लिए मक्के को काम में लिया जाता है। मक्का जो है वो एक खरीफ की फसल है, लेकिन आपको ये एक नोट डाउन करना पड़ेगा कि बिहार में कई जगहों पर रबी के मौसम में भी मक्का उगाया जाता है, क्योंकि वहां की जो क्लाइमेटिक सिचुएशंस हैं वो ऐसी है कि जो रबी के टाइम में भी, जो शीतकाल में बोई जाती है और ग्रीष्मकाल में काटी जाती है, तो उस टाइम में भी वहां की जो क्लाइमेटिक सिचुएशंस हैं, जहां की जो जलवायुविक परिस्थितियां हैं वो ऐसी होती है कि मक्के की फसल ली जा सकती है। इसके लिए जो तापमान चाहिए होता है जो वो होता है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस, 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है वो इसके लिए अनुकूल होता है, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी इसके लिए उपयुक्त होती है। जरा सा अपने आप को रिवाइंड कीजिए, जब हमने सॉइल रिसोर्सेस पढ़े थे तब आपने देखा था कि पुरानी जलोढ़ और नई जलोढ़ को हमने, एल्यूवियल सॉइल को हमने दो भागों में बांटा था, खादर और बांगर, ठीक है ना। बांगर जो होती है वो पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, तो ये पुरानी जलोढ़ मिट्टी की जगह आप बांगर भी लिख सकते हो। बांगर को ही पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। बांगर जो मिट्टी होती है ना एल्यूवियल सॉइल में, खादर और बांगर। इसके प्रमुख उत्पादक राज्य हैं कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यानी कि इस तरफ की, इस रीजन में मक्के की खेती बहुत ज्यादा की जाती है, खास करके जो ये हमारा पठारी इलाका है वहां पर मक्के की खेती बहुत की जाती है। मक्का जो है वो बहुत जगह स्टेपल फूड के रूप में भी काम में लिया जाता है। मेज इज यूज फॉर फूड, फॉर फोडर, फॉर रॉ मटेरियल, फॉर इंडस्ट्रीज ऑल्सो। इट इज अ खरीफ क्रॉप बट इट इज ऑल्सो ग्रोन इन रबी सीजन एट मेनी प्लेसेज इन बिहार। द फ्रेंडली टेम्परेचर टू ग्रो मेज इज 21 to 27 डिग्री सेल्सियस। देन ओल्ड एल्यूवियल सॉइल और द बांगर सॉइल इज क्वाइट सूटेबल फॉर दिस क्रॉप। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। बच्चों, जो आपकी बुक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वो जो डिस्क्राइब किया हुआ है, वो बिल्कुल पैराग्राफ में डिस्क्राइब किया हुआ है। आई ऑलवेज सजेस्ट यू टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन पॉइंट्स। इसको आप पॉइंट्स वाइज जैसे जैसे लिखोगे ना, वैसे ही ये आपके याद करने में इजी रहेगा, आपको क्वेश्चंस के आंसर देने में इजी रहेगा, और जो आपके क्वेश्चंस पढ़ रहा है उसको समझने में भी इजी रहेगा। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज मेक पॉइंट्स फॉर यू, सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स। तो आपके कॉम्प्रिहेंशन के एक्सपेंशन के लिए भी ये बहुत जरूरी होता है। तो आप पॉइंट वाइज ही हमेशा डिस्क्राइब कीजिए। आपको अगर लिखना है कि भी देखना है किस तरह से लिखना है, क्या करना है, तो आप इन नोट्स को यूज कर सकते हो। तो ले लीजिए आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट, फिर आगे चलते हैं। मक्के की जो मेज हमने पढ़ी वो भी फूड क्रॉप्स जो है वो उद्योगों के लिए काम में आता है, ठीक वैसे ही दालें भी इसी तरह से काम में ली जाती है। दालों को भी उद्योगों के रूप में, कैसे कि उनको थोड़ा हमारे काम में आने लायक बनाया जाता है। जैसे दालें जो होती है वो साबुत होती है, मूंग हो, मोठ हो या चने हो, तो सबके सब साबुत होते हैं, लेकिन घर में जब वो आते हैं तो या तो उनके टुकड़े हुए होते हैं, हम देखते हैं कि वो आधे आधे पार्ट्स में होते हैं, और उनके छिलके भी नहीं होते। तो ये एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसको हम कह सकते हैं दलहन इंडस्ट्री, जो पल्सेस इंडस्ट्री है, दलहन उद्योग जो है बड़ा उद्योग है, और वहां का रॉ मटेरियल दालें ही होती है।
अगर दालों की बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और उपभोक्ता भी है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा दालें पैदा भी भारत में की जाती है और सबसे ज्यादा दालों को कंजम्पशन उपभोग काम में लिया भी भारत में ही जाता है। दालें प्रोटीन का सबसे उत्तम स्रोत है। दालें चाहे कोई भी हो उनसे प्रोटीन सबसे ज्यादा मिलता है। चाहे आप अरहर की दाल ले लीजिए, चाहे आप मूंग की दाल देखिए, मोठ की दाल होती है, चने की दाल होती है, सब में प्रोटीन खूब मात्रा में होता है। अरहर को छोड़कर सभी दालें मिट्टी में नाइट्रोजन संतुलन बनाए रखने में सहायक है। आपने साइंस में पढ़ा होगा कि जो कुछ ऐसे जीवाणु होते हैं जो जड़ों में रहते हैं उन पौधों की, जो खास करके दालों वाले पौधे होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, दालें जो होती है वो सारी की सारी फलियों में आती है, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, फलियों में। तो फलियों वाले जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में कुछ गांठों जैसी संरचनाएं होती है जहां पर राइबोसोम रहते हैं, जो कि वातावरण की नाइट्रोजन को मिट्टी में सोखने का काम करते हैं। उससे क्या होता है कि मिट्टी में नाइट्रोजन की जो संतुलन होता है वो बना रहता है, उर्वरता बनी रहती है। तो अगर अरहर की दाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी दालें, चाहे वो मूंग हो, चाहे चने हो, चाहे मटर हो, सारी दालों के जो जड़ें होती है उनकी वजह से मिट्टी में नाइट्रोजन संतुलन बना रहता है। और इसी वजह से क्या होता है, ये दालों की जो फसलें हैं वो आवर्तन में बोई जाती है। आवर्तन यानी रोटेशन करके, एक फसल या दो फसल कोई और ले ली खाद्यान्न की, उसके बाद में तीसरी फसल या दूसरी फसल हमेशा दाल की बोई जाती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मिट्टी में नाइट्रोजन का बैलेंस बना रहे। भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक दालों के प्रमुख उत्पादक राज्य है। देखो, घूम फिर के कुछ एक राज्य वापस आ रहे हैं तो आपको वो तो ध्यान में रखना ही है। खास करके जैसे उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ऐसा इसलिए है क्योंकि जो नदियां निकलती है वो प्लेन्स, वहां वो मैदान है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में। यहाँ गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र के जो मैदान है वो ऑब्वियसली वहां पर बहुत ज्यादा फर्टाइल सॉइल होगी, बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी होगी। क्यों? क्योंकि नदियां अपने साथ जलोढ़ मिट्टी बहाकर लाती है। तो इस वजह से इन राज्यों में तो लगभग सभी तरह की फसलें बोई जाती हैं। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एज वेल एज कंज्यूमर ऑफ पल्सेस इन द वर्ल्ड। पल्सेस आर द बेस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन। ऑल पल्सेस एक्सेप्ट अरहर हेल्प मेंटेनिंग नाइट्रोजन बैलेंस इन द सॉइल। यू हैव टू रिमेम्बर दिस फैक्ट कि अरहर को छोड़ दिया जाए तो सभी दालें इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भूमि में नाइट्रोजन का बैलेंस बनाए रखती है। पल्सेस आर सोन इन रोटेशन इसलिए ताकि वो नाइट्रोजन बैलेंस बना रहे, एक या दो क्रॉप के बाद पल्सेस आर ग्रोन। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ पल्सेस इन इंडिया। सो यू हैव टू नोट डाउन ऑल दीज पॉइंट्स एंड देन वी गो फर्दर। दालें हो गई, ये भी इंडस्ट्रीज थी। मक्का हो गया, वो भी इंडस्ट्रीज में काम आता है। अब हम बात करते हैं गन्ने की। गन्ना जो है वो भी बहुत ही मेजर इंडस्ट्री फॉलो करता है। ऐसा इसलिए है कि शुगर केन से चीनी बनती है, गुड़ बनाया जाता है शुगर केन से, और भी बहुत सी चीजें, अल्कोहल बनाया जाता है, अल्कोहल कंज्यूम किया जाता है। तो शुगर केन जो है वो बहुत बड़ा उद्योग है हमारे देश में। ब्राजील के बाद उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, यानी दुनिया में सबसे ज्यादा शुगर केन प्रोड्यूस किया जाता है ब्राजील में, और सेकंड नंबर जो प्रोडक्शन है वो इंडिया में होता है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है। ये क्या होता है उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय? ये ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्या होते हैं? देखो, ये मान लीजिए कि हमारा ग्लोब है, ठीक है। हमने ग्लोब को जो है कुछ इमेजिनरी लाइंस खींची नहीं है, चाहे वो लॉन्गिट्यूड्स हो चाहे वो लैटिट्यूड्स हो। आपने पढ़ा है लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड्स के बारे में, जिनको हम अक्षांश और देशांतर रेखाएं कहते हैं। तो कुछ रेखाएं हैं, जैसे एक तो 0 डिग्री जिसको हम भूमध्य रेखा भी कहते हैं, उसके बाद में कर्क रेखा, ठीक है ना, नीचे मकर रेखा, और उसके बाद में इस तरह से हमने रेखाओं में बांट रखा है। ये कुछ खास रेखाएं हैं। ये 0 डिग्री है, उसके बाद में ये 23.5 डिग्री है, उसके बाद में ये 66.5 डिग्री है, ठीक है ना, और नीचे भी सेम ही पोजीशन है। ये 23.5 डिग्री है और उसके बाद में ये 66.5 डिग्री है, ठीक है। तो इस तरह से हमने कुछ इमेजिनरी लाइंस में अपनी ग्लोब को बांट रखा है। ये जो ग्लोब की ये बीचों बीच रेखा है 0 डिग्री, जिसको इक्वेटर या भूमध्य रेखा कहा जाता है, भूमध्य रेखा से लेकर 23.5 डिग्री तक ये उष्ण कटिबंधीय कहलाता है, उष्ण कटिबंध।
ठीक है ना। सेम यहाँ भी यही लागू होगा कि यहां से लेकर और यहां तक ये उष्ण कटिबंध कहलाएगा, ठीक है। और उष्ण से आगे ये जो हिस्सा है ये कहलाएगा उपोष्ण कटिबंध, ये उपोष्ण कहलाएगा। और सेम यहां होगा इसके बाद जो होगा वो यहां उपोष्ण कटिबंध। इनको ट्रॉपिकल या सब ट्रॉपिकल, इंग्लिश में अगर कहा जाए तो इसको ट्रॉपिकल कहा जाएगा और इसको सब ट्रॉपिकल कहा जाएगा, ठीक है ना। तो ये कटिबंध होते हैं। कटिबंध क्यों होते हैं? आपको पता है कि सूर्य की किरणें जो पृथ्वी पर पड़ती है 0 डिग्री यानी भूमध्य रेखा इक्वेटर पर पूरे साल सीधी पड़ती है, तो ऐसे में ये जो इलाका है वो पूरे साल सूर्य की सीधी रेखाओं को झेलता है, इसलिए इसको उष्ण कटिबंध या ट्रॉपिकल जो है सेक्शन कहा जाता है। और साथ ही साथ ये जो इलाका है ये भी उष्ण हो गया, और इसके ऊपर का ये उपोष्ण या सब ट्रॉपिकल, क्योंकि यहाँ साल भर तिरछी किरणें पड़ती है सूर्य की। तो ये जो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय इलाके हैं भारत, आपको पता है भारत की सिचुएशन अगर आप ग्लोब में देखो तो जिस तरह से बनी हुई है, ग्रीन जो 0 डिग्री है वो भारत के नीचे से निकलती है, जस्ट नीचे से, और भारत को जो है कर्क रेखा बीच में से काटती है। तो ऐसे में भारत आधा उष्ण कटिबंधीय है और आधा उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, आधा ट्रॉपिकल है और आधा जो है वो सब ट्रॉपिकल है। तो ऐसे में यहाँ मक्के की यहाँ गन्ने की फसल लेने के लिए बहुत अच्छी स्थितियां पाई जाती है। तो उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय फसल है ये, इसके लिए अनुकूल स्थितियां क्या होती है? 21 से 27 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 75 से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा चाहिए होती है। जब हमने बात की थी शुरू में क्रॉपिंग पैटर्न की, तब हमने देखा था कि गन्ने को ना तो खरीफ में रखा जाता है ना रबी में रखा जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गन्ने को ग्रो करने के लिए पूरा एक साल चाहिए होता है, पूरा एक जो है पूरा साल ले लेता है गन्ना ग्रो करने के लिए, तो इसीलिए जो है वो इसको रबी या खरीफ में नहीं रखा जाता। आद्र जलवायु चाहिए होती है, आद्र यानी ह्यूमिड, बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है गन्ने की जब खेती की जाती है, बहुत सिंचाई की जरूरत पड़ती है। बुआई से कटाई तक बहुत ज्यादा शारीरिक श्रम चाहिए होता है, चाहे बोना हो, क्योंकि गन्ने के बीज नहीं बोए जाते, उनकी जो कलमें हैं वो बोई जाती है, और कटाई तक, गन्ने की कटाई जब उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है वो तब तक बहुत ज्यादा लेबोरियस ये क्रॉप है। इसका उपयोग चीनी बनाने में होता है, गुड़ बनाने में होता है, खांडसारी, शीरा और शराब बनाने में किया जाता है। भारत में इसके प्रमुख उत्पादक हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, और अब चूंकि बहुत ज्यादा सिंचाई की सुविधाएं मिल रही हैं तो पंजाब और हरियाणा में भी अच्छे से गन्ने की खेती की जाती है। इंडिया रैंक सेकेंड इन प्रोडक्शन आफ्टर ब्राजील फॉर शुगरकेन, then tropical and subtropical crop it's a crop that can be grown in tropical and subtropical climates. Favorable conditions are 21 to 27 degree Celsius temperature, 75 to 100 centimeters annual of rainfall, and humid climate. It needs humidity very well. Then heavy manual labor from sowing to harvesting is needed for sugarcane. In production of sugar, jaggery, khandsari, molasses and liquor it is used for कई बार होता है कि ऐसा छोटा क्वेश्चन आ जाता है एक नंबर का, या उसको आपको MCQs में दे दिया जाता है कि इसके यूसेज के लिए कौन सा ऑप्शन है वो सही है या नहीं है, तो इस तरह से आपको ये छोटी छोटी चीजें भी ध्यान में रखनी होती है। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा, दीज आर द मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए, और जब हम गन्ने की बात कर रहे हैं तो आपको ये चीजें ध्यान में रखनी है कि ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्या होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ऑयल सीड्स की। जब हमने देखा कि बाकी जो काम में लिए जाते हैं इंडस्ट्रीज के, चाहे मेज हो, चाहे दलहन हो, चाहे गन्ना हो, वो फूड क्रॉप्स तो है ही, एज वेल एज दे कैन यूज फॉर इंडस्ट्रीज आल्सो। ऑयल सीड्स आर आल्सो यूज फॉर इंडस्ट्रीज एज वेल एज फॉर फूड क्रॉप्स, क्योंकि जो ऑयल सीड्स होते हैं उनमें कई सारे ऑयल्स तो ऐसे होते हैं जिनको हम अपने
भोजन में काम में नहीं लेते। कई सारे ऑयल्स ऐसे होते हैं, जैसे कैस्टर ऑयल है जिसको हम खाने में काम में नहीं लेते, जिसको ज्यादातर सौंदर्य प्रसाधनों में काम में लिया जाता है। तो और भी कई ऐसे उपयोग है इन ऑयल सीड्स के, जैसे कि कॉटन सीड से जो तेल निकाला जाता है, उसके बाद में जो बिनौले से जो भी खली बचती है उसको फॉडर के रूप में काम में ले लिया जाता है, चारे के रूप में काम में ले लिया जाता है। 2016 में भारत का विश्व में कनाडा और चीन के बाद तिलहन उत्पादन में तीसरा स्थान था। फर्स्ट वॉज कनाडा एंड सेकेंड वॉज चाइना, और तीसरा स्थान भारत का था। देश के कुल बोए गए क्षेत्र के 12% भाग पर तिलहन फसलें उगाई जाती है, यानी जो टोटल जो हमारा सोन एरिया है उसके 12% एरिया पर ऑयल सीड्स उगाए जाते हैं। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी, ये भारत की प्रमुख तिलहन फसलें हैं, जिनमें से आधे से ज्यादा हिस्सा इन छह के द्वारा काम में लिया जाता है। मूंगफली, सरसों, नारियल, तिल और सोयाबीन, अरंडी, बिनौला, अलसी और सूरजमुखी भी उगाए जाते हैं लेकिन उनका परसेंटेज कम है। खाना पकाने के साथ साथ तेलों का उपयोग साबुन बनाने में, सौंदर्य प्रसाधनों में और उबटन बनाने में भी काम में लिया जाता है, जो मोस्टली जो कॉस्मेटिक्स होते हैं उनके लिए भी इनका यूज किया जाता है। इन 2016 इंडिया रैंक थर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड आफ्टर कनाडा एंड चाइना। ऑयल सीड्स क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन 12% ऑफ द टोटल सोन एरिया ऑफ द कंट्री। ग्राउंडनट, मस्टर्ड, कोकोनट, सेसमी, सोयाबीन, कैस्टर, कॉटन सीड्स, लिनसीड्स एंड सनफ्लावर आर द मेजर ऑयल सीड्स क्रॉप्स ऑफ इंडिया। अलॉन्ग विद कुकिंग ऑयल्स आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल इन सोप एंड कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज। तो ये वो फसलों की हम बात कर रहे हैं जो खाने में तो काम आती हैं, साथ साथ इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। अब बात करते हैं कुछ ऐसी फसलों की जो बेवरेजेस होती है। बेवरेजेस क्या होता है? बेवरेज का मतलब होता है वो उत्पाद या ऐसे उत्पादन जो कि हम खाने में काम में नहीं लेते, जिनको हम पीने में काम में लेते हैं। चाय और कॉफी ऐसी फसलें हैं, ये प्लांटेशन क्रॉप्स भी हैं। प्लांटेशन क्रॉप्स इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि बड़े बहुत ही लार्ज एरिया में, बहुत ही ह्यूज वास्ट एरिया में इनको एक साथ बोया जाता है और साथ साथ में इनकी क्रॉप्स ली जाती है। एक बार इनको रोपण करने के बाद, एक बार इनको प्लांट करने के बाद काफी सालों तक जो है इनके प्लांट्स हार्वेस्ट किए जा सकते हैं, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट है चाय। चाय जो है वो ओरिजिनली भारत का पौधा नहीं माना जा सकता, ओरिजिन ये नहीं कहा जा सकता कि चाय का ओरिजिन भारत में हुआ, लेकिन चाय कहा जाता है कि अंग्रेजों द्वारा भारत में लाई गई और उसके बाद में अब स्थिति ये है कि दुनिया में सबसे ज्यादा चाय का उत्पादन भी भारत में होता है और सबसे ज्यादा कंजम्पशन भी भारत में होता है। लोग चाय उगाते भी सबसे ज्यादा है और सबसे ज्यादा चाय पीते भी भारत में ही है। ये रोपण कृषि का उदाहरण है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। प्लांटेशन जैसे मैंने आपको कहा कि बड़ी मात्रा में बहुत बड़े स्थान पर बहुत सारे पौधे रोप दिए जाते हैं और फिर लंबे समय तक उन पौधों को हार्वेस्ट किया जा सकता है। पेय पदार्थों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। चाय का यूज हम सभी जानते हैं कि हर तरह की चाय यहाँ पी जाती है, ग्रीन टी पी जाती है, नॉर्मल टी पी जाती है, ब्लैक टी पी जाती है, तो यानी चाय का मेन जो उपयोग है वो पीने के लिए ही किया जाता है। चाय को अंग्रेजों द्वारा भारत में लाया गया, यानी कि जैसा मैंने आपको कहा कि ये ओरिजिनली इंडिया का पौधा नहीं है। ये एक श्रम सघन उद्योग है। इसको श्रम सघन इसलिए कहते हैं कि चाय की जो हमारे घर में आती है वो चाय की पत्तियां पहली बारिश या दूसरी बारिश के बाद जो कोमल पत्तियां होती है सिर्फ वही तोड़ी जाती है, बहुत बड़ी या बहुत पकी हुई पत्तियां नहीं तोड़ी जाती। उन कोमल पत्तियों को तोड़ा जाता है, अलग से रखा जाता है, सुखाया जाता है और फिर उसके बाद में उनको प्रोसेस करके हम तक पहुंचाया जाता है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो चाय बहुत ही ज्यादा लेबोरियस फार्मिंग है, बहुत ज्यादा श्रम की इसमें जरूरत होती है और ऐसा भी नहीं है कि मशीनों के द्वारा सारा काम किया जा सके। ये देखना कि कौन सी पत्तियां चाय पत्ती बनाने के लिए सही है, फिर उनको हार्वेस्ट करना, उनको तोड़ना, इकट्ठा करना, साफ करना, उनको सुखाना, सूखते समय ध्यान रखना कि कितनी सुखाना है कितना नहीं, तो ये सब चीजें बहुत ज्यादा लेबोरियस होता है और खास करके मैनुअल लेबर इसमें लगता है। अब अनुकूल परिस्थितियां क्या होती है? इसमें भी अनुकूल वही परिस्थितियां हैं जो शुगर केन में है, उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु, उसके बाद में ह्यूमस और जीवांश युक्त गहरी मिट्टी।
ऐसी मिट्टी होनी चाहिए जिसमें बहुत सारा ह्यूमस मिला हुआ हो, ताकि उसमें उर्वरता बहुत ज्यादा हो। जैसा कहा गया है कि चाय के पौधे लंबे समय तक प्लांट जो है उनको हार्वेस्ट किया जाता है, तो एक पौधा काफी समय तक रहता है, तो ऐसे में मिट्टी में बहुत ज्यादा उर्वरता होनी चाहिए, बहुत ज्यादा फर्टिलिटी होनी चाहिए। सुगम जल निकास वाले ढलवा क्षेत्र, यही वजह है कि चाय जो है ज्यादातर ऐसे स्थानों पर बोई जाती है जो पहाड़ी हो। देखो इस तरह से होगा अगर, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमने कॉन्टूर फार्मिंग पढ़ी थी ना, कॉन्टूर फार्मिंग की तरह यहाँ पर ढलवा जो क्षेत्र होगा वहां पर इस तरह से सीढ़ीदार खेती की जाएगी। तो इस सीढ़ीदार खेती में क्या होगा, इस खेती के बाद अगर पानी इकट्ठा हो गया है, बारिश ज्यादा हो गई है, तो वो पानी जो है इन ढलवा क्षेत्रों से निकल जाएगा, ठहरेगा नहीं। पानी चाहिए भी होता है और ठहरना भी नहीं चाहिए, मतलब हर टाइम बहुत ज्यादा दलदली नहीं रहना चाहिए। तो ऐसे में सुगम जल निकास वाले जो ढलवा क्षेत्र होते हैं वो उपयुक्त होते हैं चाय के लिए, और यही वजह है कि चाय की खेती ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में की जाती है। वर्ष भर उष्ण यानी थोड़ी गर्म, नम और पाला रहित जलवायु चाहिए, इसमें जो है फ्रॉस्ट फ्री चाहिए बिल्कुल ही जलवायु, और वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें भी चाहिए होती है। इसी वजह से पहाड़ी क्षेत्रों में चाय को ज्यादा उगाया जाता है। इसके प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है असम, पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, तमिलनाडु, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मेघालय, आंध्र प्रदेश और त्रिपुरा। तो आप देख सकते हैं कि ज्यादातर जो इलाके हैं वो हिली एरियाज हैं जहां पर चाय हार्वेस्ट की जाती है। Example of plantation farming, tea is an example of plantation farming. It is used as beverage all the time. Brought to India by Britishers. It is not originally belong to India. Labor intensive industry and the favorable conditions for tea farming is tropical and subtropical climate. Then deep soil containing humus and biomass. Sloping areas with easy drainage so that water can't harm the plants. Warm, moist and frost-free climate throughout the year. पूरे साल ऐसा ही माहौल चाहिए होता है चाय को. And year-round rain showers. और पूरे साल हल्की बहुत बौछारें पड़ती रहनी चाहिए. Major production areas are Assam, hills of Darjeeling and Jalpaiguri district in West Bengal, Tamil Nadu, Kerala, Himachal Pradesh, Uttarakhand, Meghalaya, Andhra Pradesh and Tripura, etc. So these are the areas where tea is grown very much, and that's why India ranked first in the world. चाय की बात हो गई तो अब बात करते हैं हम कॉफी की। कॉफी जो है वो उस तरह से नहीं होती है। देखिए चाय जो है हमें पत्तियों के रूप में हार्वेस्ट की जाती है, पत्तियां सुखाई जाती हैं और उसके बाद में उसको हम अपने घरों में यूज करते हैं, उनको पत्तियों को एकदम क्रश करके। लेकिन कॉफी का उपयोग, या हम कह सकते हैं कि कॉफी को हम अपने यूज के लिए वैसे नहीं ले सकते जैसे हम चाय को लेते हैं। कॉफी इस तरह से उगाई जाती है, कॉफी के जो होते हैं वो इस तरह से बेरीज होती हैं, ठीक है ना, उन बेरीज को हार्वेस्ट किया जाता है और हार्वेस्ट करने के बाद उनसे बीज निकाले जाते हैं। इन बेरीज के जो बीज होते हैं ना, उन बीजों को रोस्ट किया जाता है, उन बीजों को सेका जाता है। जब इन बेरीज से बीज निकाले जाते हैं तो व्हाइट या क्रीम कलर के होते हैं, फिर उनको रोस्ट किया जाता है हल्की आंच पर काफी देर तक, तब वो ऐसी शेप ले लेते हैं या ऐसा कलर जब उनका हो जाता है, उसके बाद में उनको ग्राइंड करके और फिर हमें हमारे घरों तक कॉफी पहुंचाई जाती है। तो यानी कॉफी और चाय का कई लोग ऐसा मानते हैं कि प्लांट्स होते हैं जिनमें से पत्तियां तोड़ी जाती है, उनको सुखाकर और हमें दे दिया जाता है। कॉफी इज क्वाइट अ डिफरेंट प्रोसेस टू गेट। तो कॉफी में पहले बेरीज होती है, बेरीज में से बीज लिए जाते हैं, बीजों को रोस्ट किया जाता है, उसके बाद में ग्राइंड किया जाता है, सेका जाता है उनको पूरा भूरा होने तक, और उसके बाद में उनको पीस के और हमारे घर तक वो कॉफी के पाउडर के रूप में पहुंचती है। कॉफी जो होता है, एक बात ध्यान में रखनी है कि भारतीय कॉफी जो है वो अपनी गुणवत्ता के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है। भारत में कौन सी किस्म की कॉफी होती है, अरेबिका किस्म की। ये आरंभ में यमन से लाई गई थी। यमन कहाँ है, यमन मिडिल ईस्ट का एक देश है, जो हमने देखा था मिडिल ईस्ट के कंट्रीज है ना, मिडिल ईस्ट का मध्य पूर्व का एक देश है यमन, वहां से लाई जाती है। और मिडिल ईस्ट को हमारे देश में अरब कहा जाता है, और इसीलिए इस कॉफी की इस किस्म को अरेबिका कहा जाता है, ठीक है ना। भारत में अरेबिका किस्म की कॉफी उगाई जाती है जो काफी गुणवत्ता वाली होती है, उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इसकी शुरुआत जो उगाने की है वो बाबा बुदन की पहाड़ियों से की गई थी, और अब नीलगिरी की पहाड़ियों के आसपास का जो क्षेत्र है, खास करके कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु,
वहां पर कॉफी की खेती होती है और भारतीय कॉफी की पूरी दुनिया में बहुत डिमांड है, क्योंकि हमारे यहाँ उगाई जाने वाली कॉफी जो है उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। इंडियन कॉफी इज रीनोन फॉर इट्स क्वालिटी। अरेबिका वेराइटी ऑफ कॉफी इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। ये क्वेश्चन आ सकता है आपके एमसीक्यूज में भी आ सकता है, या जो राइट और रॉन्ग वाले होते हैं उनमें भी आ सकता है, मैचअप में भी आ सकता है। तो थोड़ा इन छोटी छोटी चीजों को हमेशा आपको कंसिडर करके चलना है कि ये छोटे छोटे फैक्ट्स हम डिनाई नहीं करें, उनको हम बिल्कुल भी उपेक्षा नहीं करें। भारत में जो कॉफी उगाई जाती है उसकी किस्म होती है अरेबिका किस्म की। It was initially brought from Yemen. It started from hills of Baba Budan. इसकी शुरुआत बाबा बुदन की पहाड़ियों से हुई थी, तो ये भी एक फैक्ट है आपको याद रखना है। Now it is cultivated in Karnataka, Kerala and Tamil Nadu around the Nilgiri hills. तो ये जो आज हमने फसलें पढ़ी है ये वो फसलें हैं जो हमारे लिए उद्योगों में भी काम आती है और हम अपने घरों में भी इनको कंज्यूम करते हैं, वेदर फॉर बेवरेजेस और फॉर फूड और फॉर फूड ऑयल्स, किसी भी तरह से हम उनको घरों में भी कंज्यूम करते हैं और इंडस्ट्रीज में भी काम आती है। अभी भी कुछ ऐसी फसलें बाकी है जो प्रॉपरली इंडस्ट्रियल ही है, जिनको हम घरों में वैसे ही काम में नहीं लेते। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगली जो कुछ फसलें हैं उनके बारे में अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप देखते रहिए और पढ़ते रहिए साथ साथ, क्योंकि पढ़ना, लगातार पढ़ना जरूरी है, एक साथ नहीं पढ़ा जाएगा आपसे। तो आप लगातार पढ़ते रहिए, थोड़ा थोड़ा अगर आपके दिमाग में जाएगा ना तो वो बाद में बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आएगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल दीज स्टडीज यू आर कैरिंग ऑन, और करते रहिए इसी तरह से पढ़ाई। थैंक यू।